केंद्र सेना और बीजेपी के बीच टकराव, विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर बावन कुले को करारा जवाब, क्या है मामला। महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के एक बयान से बीजेपी और शिंदेसेना के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। बावनकुले ने अपने बयान में कहा था कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी 240 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और शिंदेसेना को 48 सीटें दी जाएंगी। उनके इस बयान के बाद शिंदेसेना के सिपहसालार बावनकुले पर टूट पड़े, उन्होंने जमकर बावनकुले की परेड ली। आखिरकार बावनकुले को सफाई ही नहीं देनी पड़ी बल्कि उस बयान से संबंधित वीडियो को भी सोशल मीडिया से हटाना पड़ा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के समर्थक विधायक संजय सिरसाट ने सलाह देते हुए कहा कि बेहतर होगा कि बावनकुले उतना ही बोले जितना उन्हें अधिकार है। फिजूल के बयानबाजी से उन्हें बचना चाहिए, वे हमें 48 सीटें देंगे और हम मान भी जाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष बावनकुले ने हमें क्या मूर्ख समझ रखा है, उन्होंने तल्ख शब्दों में कहा कि ऐसे बयानों से ही गठबंधन में दरारें पैदा होनी शुरू होती हैं। मामला बिगड़ता देख बीजेपी अध्यक्ष बावनकुले ने इसके लिए मीडिया को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि उनके बयान को मीडिया ने गलत तरह से पेश किया है, बयान का वीडियो आधा अधूरा वायरल किया। हमने कहीं भी नहीं कहा कि सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो चुका है, या तो दिल्ली और महाराष्ट्र के हमारे वरिष्ठ नेता शिवसेना के साथ मिल बैठकर तय करेंगे। आगामी लोकसभा विधानसभा चुनावों की तैयारी बीजेपी ने जोर शोर से शुरू कर दी है, बैठकों का दौर शुरू हो गया है। पार्टी प्रवक्ताओं की एक बैठक में बावनकुले ने कहा था कि 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 240 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बावनकुले ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर भी तंज कसते हुए कहा था कि उनके साथ 50 विधायक ही हैं, इससे ज्यादा सीट उन्हें नहीं चाहिए होगी। उनके इस बयान ने तूल पकड़ लिया। शिंदे समर्थक विधायकों के आक्रामक होने पर बावनकुले के बयान वाला वीडियो ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। बावनकुले का कहना है कि इस समय बीजेपी के 105 विधायक हैं, साथ ही 8 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन है। इसके अलावा 60 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां बीजेपी कभी जीतती रही है तो कभी हारती रही है। बीजेपी के पास 43% वोट है, पार्टी को वोट प्रतिशत को बढ़ाकर 51% तक ले जाना है। बावनकुले का बयान वायरल होते ही विरोधी दलों ने भी इसकी खबर ली। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि बीजेपी के पेट में जो बात थी वह सामने आ गई है। हमारी एकनाथ शिंदे को सलाह है कि वे बीजेपी से सावधान रहें, आने वाले समय में बीजेपी उनके साथ क्या करेगी इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि आगामी चुनाव शिंदे गुट बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर ही लड़ेगी, शिंदे की शिवसेना का नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। इसमें कोई शंका का कारण नहीं है, बीजेपी का यह ओपन सीक्रेट है कि वह छोटी पार्टियों को धीरे धीरे खत्म करने के मिशन पर लगी है।